इस वीडियो में आपको रवीना टंडन पर हुए अटैक के बाद उनकी कंडीशन के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रवीना टंडन की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि रवीना टंडन जी ड्रंक हैं और उनकी कार ने जहां एक वुमेन को हिट करने के बाद उनके और उनके ड्राइवर ने ड्रंक होकर उस फैमिली से बदतमीजी भी की और मारपीट की। और अब इस पर पुलिस का एक और बयान सामने आया है। जी हाँ, अगर पुलिस की स्टेटमेंट को देखा जाए तो पुलिस की स्टेटमेंट में ये कहना है कि रवीना टंडन जी और उनके ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि रवीना टंडन का ड्राइवर कार बिल्कुल ठीक चला रहे थे और वो कार रिवर्स कर रहे थे और उसी समय वो फैमिली आई और उन्होंने कार के ड्राइवर के साथ काफ़ी बदतमीजी की और उनको बैड वर्ड्स बोले, जिस पर रवीना टंडन जी बाहर आई। और जब रवीना टंडन जी ने इस मामले के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने रवीना टंडन जी को मारना शुरू कर दिया और इस पर रवीना टंडन जी उनसे आगे बोल रही थी। पुलिस का ये भी कहना है कि रवीना टंडन जी और ड्राइवर का एग्जामिनेशन भी हुआ है और वो दोनों ड्रंक नहीं थे और दोनों पार्टीज़ ने जहां पहले केस फाइल किया था वहीं पर दोनों ने केस वापस भी ले लिया। लेकिन पुलिस का स्टेटमेंट माना जाए तो पुलिस का कहना है कि वो फैमिली गलत थी और रवीना टंडन जी बिल्कुल ठीक थी, जिस पर रवीना टंडन जी को काफ़ी ज़्यादा हिट किया गया और उनके ड्राइवर पर भी जहां मॉब ने अटैक किया वहीं उसी मॉब ने रवीना टंडन जी पर भी अटैक किया और इस सब के बाद रवीना टंडन जी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस सिचुएशन में पाई गई हैं। रवीना टंडन जी से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की गई है तो उनका कहना है कि रवीना टंडन जी फ़िलहाल बात नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। जी हाँ, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि रवीना टंडन जी की कंडीशन इस सारी सिचुएशन के बाद ठीक नहीं है और उन्हें एक मेंटली धचका लगा है जिस पर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और फिर वो मीडिया के सामने आकर बात भी करेंगी। आप इस न्यूज़ पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।